हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में, और मैं आप लोग को कैलकुलेट करके बताऊंगा अगर आप लोग कितना इन्वेस्ट करने से कितना आप लोग को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। और ये जो नया इंटरेस्ट रेट है ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा क्या क्या प्रोसीजर है ओपन करने का और कितना अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या बेनिफिट आप लोग को मिल जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है करेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट रेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला क्राइटेरिया है सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो आप लोग फिक्स डिपॉजिट में इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और दूसरा जो है गार्डियन ओपन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। और तीसरा है माइनर अबव 10 ईयर कैन ओपन द अकाउंट, ठीक है। अगर कोई भी माइनर बच्चा या बच्ची 10 साल के ऊपर है तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। और NRI पर्सन जो है इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आप लोग को इंडियन नेशनल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। आप लोग NRI नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, अकाउंट लिख दिया हूँ, ठीक है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप लोग 1000 से स्टार्ट कर सकते हो इस अकाउंट में, और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। अगर जितना चाहो आप लोग उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन। जैसे कि आप लोग को मैं पहले से बता दिया हूँ, यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, तो इसलिए आप लोग जितना चाहो उतना अकाउंट ओपन कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज कर दिया गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FD इन ईयर अर्लियर क्या इंटरेस्ट रेट था और फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। कोई अगर 1 ईयर का FD करना चाहता है तो पहले जो था 5.50 अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर केस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकेंड ईयर केस में आप लोग देख सकते हो पहले जो था 5.50 था और अभी जो है 5.70, यानी कि 0.2 का इंक्रीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। और 3 ईयर का FD जो है अर्लियर जो था 5.50 और अभी जो है इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 2.50, यानी कि 0.3% का इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में कोई भी 4th ईयर का TD नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग को, नो 4th ईयर TD, ठीक है। और 5th ईयर का जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, 6.70 अभी जो है 6.70 सेम चले आ रहा है, ठीक है। और अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल में मैच्योरिटी हो जाता है। तो ये था न्यू FD रेट के बारे में फिक्स डिपॉजिट का पोस्ट ऑफिस का। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो अगर आप लोग क्लोज करते हो फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योर या फिर इमरजेंसी केस में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है वो 6 मंथ के बाद आप लोग क्लोज कर सकते हो, यानी कि अगर आप लोग आज ओपन किए हो तो नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आप लोग क्लोज कर सकते हो ये अकाउंट को, उससे पहले आप लोग क्लोज नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। और इंटरेस्ट जो है वो एनुअली बेसिस पे आप लोग को पेमेंट होगा, यानी कि वंस इन ए ईयर आप लोग को पेमेंट किया जाएगा। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस का, देन आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली बेसिस पे पेमेंट होता है, कोई भी मंथली बेसिस या फिर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे पेमेंट नहीं किया जाता है। लाइक इन बैंक आप लोग को मंथली क्वार्टरली बेसिस पे आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलता है ऐसा। और अगर आप लोग ओपन करना चाहते हो देन यहाँ पे आप लोग MIS स्कीम ओपन कर सकते हो, जो कि मैंने पहले से आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो बना के, ठीक है, आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हो। और टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है अंडर ATC के अंदर, लेकिन किन अगर आप लोग 5 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो और प्रीमैच्योर विड्रॉल नहीं करते हो तो, ठीक है। और नो TDS इज बिन कट ऑन मैच्योरिटी, यहाँ पे मैच्योरिटी के वक्त आप लोग को कोई भी TDS देना नहीं पड़ता है, ये सबसे अच्छा बात है पोस्ट ऑफिस का, लेकिन बैंक में TDS कटता है, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में फॉर 1 ईयर का, सेपरेट में 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर का मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FD इन ईयर इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटरेस्ट गेंड और टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप लोग 1 ईयर के लिए FD करते हो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है 5.50, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग गेन किए होंगे वो है 5614 रुपीज, और टोटल इंटरेस्ट 1,05,614 रुपीज़, ठीक है। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 11,228 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हो 2,11,228 रुपीज़, ठीक है। 5 लाख का अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं तो यहाँ पे 28,072 रुपीज़ मिलेगा, और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 5,28,072 रुपीज़, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 7 लाख है तो टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 39,301 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है
7,39,301 रुपीज़ यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 56,144 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 10,56,144 रुपीज़। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख है तो 84,217 रुपीज़ आप लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे और टोटल इंटरेस्ट जो है 15,84,217 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो 1,12,289 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो है 21,12,289 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में देन आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन फॉर 2 ईयर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसी तरह सेम है, फिर 2 ईयर में इंटरेस्ट रेट जो है 5.70 है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 5,823 और टोटल इंटरेस्ट जो है 1,11,646 रुपीज़ और 2 ईयर में इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 2 लाख के ऊपर वो है 11,646 रुपीज़, टोटल इंटरेस्ट जो है 2,23,292 रुपीज़। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 29,115 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 5,58,229 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 2 ईयर्स में। और 7 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो यहाँ पे 40,760 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 7,81,521 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 10 लाख है तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 58,229 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो है 11,16,459 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 15 लाख का है तो 87,344 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा और टोटल इंटरेस्ट जो है 16,74,689 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख का है तो यहाँ पे और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 1,16,459 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 22,32,919 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप लोग 2 ईयर्स के लिए भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना है इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मैं आपको बता दूंगा कितना आप लोगों को मिलेगा फॉर 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन फॉर 3 ईयर्स के बारे में। 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.80 और 2 ईयर का 5.70 और 1 ईयर का 5.50। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 5,927 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो है 1,17,782 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख का है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिल जाएगा 11,854 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 2,35,564 रुपीज़। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 29,636 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 5,88,910 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7 लाख है तो 41,491 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 8,24,474 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख है तो इंटरेस्ट गेन किए होंगे 59,273 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 11,77,821 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 88,910 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोगों को मिलेगा वो है 17,66,731 रुपीज़। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1,18,547 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 23,55,642 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं वहाँ से कैलकुलेट करके बता दूंगा फॉर 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन फॉर 5 ईयर्स के बारे में। तो सेम है, ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.70 है जो कि सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 1 लाख और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 6,870 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो है 34,351 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपीज़ तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 13,740 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोगों को मिलेगा वो है 2,68,702 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 5 लाख है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 34,351 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो है 6,71,755 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7 लाख है तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 48,091 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 9,40,457 रुपीज़। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 10 लाख का है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 68,702 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो 13,43,511 रुपीज़। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपीज़ है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1 लाख
3,053 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 20,15,266 रुपीज़। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 1,37,404 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 26,87,022 रुपीज़। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर जानना चाहते हो कितना आप लोगों को मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं ले पाया, ठीक है। तो ये था फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में पोस्ट ऑफिस का, और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं अगर 5 ईयर FD कर रहे हो। और ध्यान रखना है ये एनुअली बेसिस पे कंपाउंडिंग होता है, यानी कि ओनली वंस इन अ ईयर आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। मंथली चाहते हो तो मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।